हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने IQ Z5 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप जो है ऐड टेक्स्ट ऑन लॉक स्क्रीन सेटिंग को अपना यूज़ कैसे कर सकते हैं। ठीक है, और ये ऐड टेक्स्ट ऑन लॉक स्क्रीन सेटिंग जो है कैसे काम करती है, आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन में सेटिंग पेज ओपन करना है। ठीक है, सेटिंग पेज को ओपन कर लीजिए अपने मोबाइल फ़ोन में। सेटिंग पेज में आपको ना नीचे ये ऑप्शन मिल जाएगा लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर, इसे आपको सेलेक्ट करना है। इसके अगले पेज में आपको नीचे ये ऑप्शन मिल जाएगा लॉक स्क्रीन सेटिंग का, इसे आपको सेलेक्ट करना है। इसके अगले पेज में आपको ये ऑप्शन मिलेगा नीचे की साइड ऐड टेक्स्ट ऑन लॉक स्क्रीन का, इसे आपको सेलेक्ट करना है। अभी आपका पेज ओपन होगा ऐड टेक्स्ट ऑन लॉक स्क्रीन का, इसमें आपको टैप करना है तो आपका एक कीबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप ना अपना नाम लिख सकते हैं या फिर जो भी आपको लिखना है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैं अपना नाम यहाँ पे लिख देता हूँ इस तरीके से। तो आपको जो है ना इसके बाद इसे ओके कर देना है। ओके कर देंगे तो आपको इस ऑप्शन के नीचे नाम लिखा हुआ दिखाई देगा। अब ये नाम आपका और किस जगह पर दिखाई देगा, आपके मोबाइल फोन की लॉक स्क्रीन पर। ठीक है, ये देखिए सामने की तरफ आपको टोनी लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, तो इस तरीके से आपका यहाँ पर ये नाम लिखा हुआ दिखाई देगा। और दोस्तों, अगर आपको बाद में कभी भी अगर ये नाम को यहाँ से लॉक स्क्रीन से हटाना है तो आपको जो है ना ऐड टेक्स्ट ऑन लॉक स्क्रीन में इस सेटिंग में आपको वापस आना है, इसे ओपन करना है और यहाँ से आपको अपना जो है नाम यहाँ से कट कर देना है। कट करने के बाद इसे ओके जरूर करना है। ठीक है, तभी आपका नाम यहाँ से कट होगा। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए लॉक स्क्रीन पर से जो पहले टोनी नाम यहाँ पर लिखा हुआ था यहाँ से अब वो हट चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये ऐड टेक्स्ट ऑन लॉक स्क्रीन सेटिंग को आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको ना ये भी बता देता हूँ कि कैसे आप इस ऐड टेक्स्ट ऑन लॉक स्क्रीन सेटिंग को अपने मोबाइल फ़ोन में आप शॉर्टकट तरीके से कैसे ढूंढ सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, मोबाइल फ़ोन का आपको सेटिंग पेज फिर से ओपन करना है स्टार्टिंग से। ठीक है, सेटिंग पेज को आप फिर से ओपन कीजिए। सेटिंग पेज में आपको सबसे ऊपर सर्च आइकन का ऑप्शन सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको सर्च बार में लॉक स्क्रीन सेटिंग आपको टाइप करना है। ठीक है, इस तरीके से तो आपको ना यहाँ पर लॉक स्क्रीन सेटिंग आपको टाइप करना है, आपको नीचे ऑप्शन शो हो जाएगा, इसे सेलेक्ट करना है। इससे क्या होता है, आपका फोन आपको डायरेक्टली सेटिंग में लेकर आ जाएगा। इस सेटिंग को सेलेक्ट करेंगे तो अगले पेज में आपको नीचे ऑप्शन मिल जाएगा। तो ये मैंने आपको एक शॉर्टकट तरीका भी बता दिया इस सेटिंग को ढूंढने का आपके मोबाइल फोन में।